सज्जनों की सेवा में चंदा कैसेट के माध्यम से पेश है किस्सा अजीत सिंह राजवाला भाग एक, जिसमें गायन में मेरा साथ दे रहे हैं उदयवीर सिंह चौहान, लेडीज कलाकार श्रीमती पुष्पा गुसाई व भाई सतराज नागर। संगीत में ढोलक पर भाई बस्तीराम तूफान, घड़े पर भाई आसेराम, हारमोनियम मास्टर हंसराज, बैंजो भाई टीपू, घुंगरू भाई बलबीर व क्लारनेट पर मास्टर ओम प्रकाश नागर। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई मुसर्रत अली। तो आइए आपकी सेवा में ये अजीत सिंह राजवाला का किस्सा कुछ इस प्रकार से है। प्रेमियों, अमरकोट के राजा अनार सिंह के इकलौता पुत्र अजीत सिंह, जिसका रिश्ता बचपन में वैसलपुर के राजा प्रताप सिंह ने अपनी राजकुमारी राजबाला के साथ कर दिया था। अपने पिता राजा अनार सिंह की मृत्यु के बाद दुश्मन के द्वारा राज हड़प लेने पर अपनी माता के साथ वैसलपुर पहुंचकर एक सेठ के यहां नौकरी करने लगा। एक दिन अजीत अपनी ड्यूटी पर देरी से पहुंचता है तो सेठ अजीत सिंह को खोटी खरी सुनाता हुआ यह भी कह देता है कि अगर तू इतना ही बड़ा छत्री बनता है तो अपनी छुटी हुई मांग राजबाला के साथ अपनी शादी करके दिखला दे। अब तो अजीत सिंह गुस्से से तमतमा जाता है, कहता है कि सुन लाला तेरी बात को, मेरे भरा बदन में जोश, जवां को तेरी खींच लूं ना हो जा तू खामोश। इतनी बात कहकर सेठ की नौकरी छोड़कर चला जाता है। वह तुरंत राजा प्रताप सिंह को एक चिट्ठी लिख भेजता है किस तरह से। पिता सुनिए अरज हमारी, तेरी बाला राज दुलारी, मेरे संग में ब्याह रचाओ, पूरा वचन करो शादी का, अपना धर्म निभाओ। सुनिए अरज हमारी, तेरी बाला राज दुलारी, मेरे संग में ब्याह रचाओ, और पूरा वचन करो शादी का, अपना धर्म निभाओ। सुनिए अरज हमारी। मेरे संग में करी सगाई, बात बतानी पड़ेगी, मात पिता मेरे सुरज सिधारे, बोर रे तुम रड़गी, आए रड़गी आ रड़ेगी, राज ताज मट्टी में मिल गए, मत ना मन जलाओ, और पूरा वचन करो शादी का, अपना धर्म निभाओ। सुनिए अरज हमारी, तेरी बाला राज दुलारी, मेरे संग में ब्याह रचाओ, और पूरा वचन करो शादी का, अपना धर्म निभाओ। सुनिए अरज हमारी। Get
जो नाटे वो धर्म नहीं छतरी का, नेकाल के नाता तोड़े कर्म नहीं छतरी का, छतरी का छतरी का। रिश्ता करके बाला का आज मतना जोग हटाओ, और पूरा वचन करो शादी का अपना धर्म निभाओ। सुनिए अरज हमारी तेरी बाला राज दुलारी, मेरे संग में बिहार चाओ, और पूरा वचन करो शादी का अपना धर्म निभाओ। सुनिए अरज हमारी। मेहनत कर खाता हूँ, उठ सवेरी करण नौकरी बाहर मैं जाता हूँ। और तेरी बेटी ने दुख ना दू चाहे कितनी आफत आओ, और पूरा वचन करो शादी का अपना धर्म निभाओ। सुनिए अरज हमारी तेरी बाला राज दुलारी, मेरे संग में बिहार जाओ, और पूरा वचन करो शादी का अपना धर्म निभाओ। सुनिए अरज हमारी। कदे बड़ा और छोटा एक दिन सुन ले राम, मेरा भी दूर करे सब टोटा, हाय टोटा हाय टोटा। कह ब्रह्म पाल मन बाद का सारा अपने घरा बुलाओ, और पूरा वचन करो शादी का अपना धर्म निभाओ। सुनिए अरज हमारी तेरी बाला राज दुलारी, संग में बिहार जाओ, और पूरा वचन करो शादी का अपना धर्म निभाओ। सुनिए अरज हमारी। ओ सोच में पड़ जाते हैं। जब चिट्ठी को पढ़ रहे थे, संयोग से राजवाले भी वहीं थे। राजवाला पूछ बैठती है कि पिताजी ये चिट्ठी किसकी है। कहते हैं राजा प्रताप सिंह कि बेटी मैंने काफी समय पहले अजीत सिंह के साथ तेरा रिश्ता कर दिया था, परंतु आज तो वह खुद दर दर का भिखारी है। मैं ऐसी स्थिति में भला तेरा रिश्ता तेरी शादी उसके साथ किस तरह कर सकता हूँ। तो प्रेमियों, इतनी सुनते के साथ ही राजबाला दुख में पड़ जाती है। किस तरह से बाप व बेटी के बीच में वार्तालाप हो रहा है रागनी के माध्यम से।
चाहवे से, रे फोड़ ना क्यों चाहवे से। भाग में जो लिखा मेरे मोड़ ना क्यों चाहवे से, मोड़ ना क्यों चाहवे से। भिकारी से रिश्ता अपना जोड़ ना क्यों चाहवे से, रे जोड़ ना क्यों चाहवे से। ओ छोटे में वो फिरे भरमता, जंगल के में फिरता फिरता लकड़ी काटे। जिसने रिश्ता हो गया मेरा लेके वो भगवान से, लेके वो भगवान से। क्यों किस्मत में ठोकर मारे बावली बिरान से, री बावली बिरान से। ओ जीत सिंह किस्मत का हारा, फिरता है आवारा नहीं धूल चाटे।
प्रेमियों, राजबाला के पिता राजा प्रताप सिंह अपनी बेटी को तरह तरह से समझाते हैं, परंतु वह कहती है कि जिसके साथ आपने मेरी सगाई की है पिताजी, उसी के साथ शादी भी मेरी होनी चाहिए। जब राजा की बातों को राजबाला ने नहीं माना तो वह तुरंत रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि रानी, तू ही किसी तरह से राजबाला को राजी कर ले। तो रानी अपनी बेटी को बुलाती है, कहती है राजबाला, अजीत सिंह के साथ शादी की जिद ठीक नहीं है। तो राजबाला अपनी मां से साफ साफ शब्दों में इस तरह से कहती है, सुने। जो लिख राख्या मेरे भाग में विपता भरनी होगी, Thank you.
राजबाला का अडिग निर्णय सुनकर रानी राजा प्रताप सिंह को सारी बात बता देती है। अब तो राजा को एक उपाय सूझता है, वह अजीत सिंह पर शादी के लिए 20,000 रुपए की शर्त लगा देता है। अजीत सिंह के पास चिट्ठी पहुंचती है, उसे पढ़कर बेचैन हो जाता है। वह तुरंत अपने पिता के एक दोस्त जो कि सेठ थे उनके पास जाकर अपनी परेशानी का कारण बताता है, इन शब्दों के द्वारा किस तरह और क्या कहता है। सेठ मेरी बिगड़ी बात बना दे, करके दया मेरे पहला दे कर्जा 20,000 का। ओ प्यारा जा कर ल्याऊं अपनी बाला नार का, बाला नार का। सेठ मेरी बिगड़ी बात बना दे करके दया मेरे पहला दे कर्जा 20,000 का। हाथ के लगे ओ जिसने समय गवाया उसके हाथ के लगे, साथ के लगे कर्म बिन किस्मत ओत था देखी रहे जैसे पर्वत के घटे साहूकार का। ओ प्यार जा के ल्याऊं अपनी बाला नार का, बाला नार का। सेठ मेरी बिगड़ी बात बना दे करके दया मेरे पहला दे कर्जा 20,000 का। ओ जब जागी बाला ब्याई हो 20,000 रुपया ला दे, जब जागी बाला ब्याई। साही रसम बतावे राजा लेके नगद रुपए तू आजा समय ना सोच विचार का। ओ घर जा के ल्याऊं अपनी बाला नार का, बाला नार का। सेठ मेरी बिगड़ी बात बना दे करके दया मेरे पहला दे कर्जा 20,000 का। बात मेरे ध्यान से और सुन लो, कह दे। हे माँ और बाप मरे आखिर, माँ और बाप मरे आखिर था मैं भूप का छोरा, टोटे में मत मारी आज मैं बावला।
वाला होरा हो टोटे में मत मारी आज मैं रखोरा बिन पैसे के खाली हूँ रोजगार बिना मैं खाली धंधा नाला चार का ओ प्यार जा के ल्याऊं अपनी बाला नार का बाला नार का सेठ मेरी बिगड़ी बात बना दे करके दया मेरे पल्ला दे कर जा 20,000 का बाला नार का बाला नार का सेठ जी कह दे एक बात मेरी और ध्यान से सुनो। हाँ ये तो आपको मालूम है कि मैं भी राजा की औलाद हूँ और छत्री हूँ। ऐसा हाँ मेरी बात सुन, जब तू छत्री था ना और जब राजा था जब कुछ बात और ही अब ना तो कुछ भी। मेरी बात सुन ले, ठीक है मैं आज भिखारी जरूर हूँ और तुम्हारे दोस्त का लड़का भी हूँ साथ साथ, मुझे किसी भी कीमत पे ये कर्जा चाहिए और एक दिन तेरे पूरे कर्ज को ब्याज सहित अदा करूंगा। मेरी बात सुन ले। सुना दे। ए ब्रह्मपाल जो हरी बजर ब्रह्मपाल जो बाजी जीत जाऊंगा ब्याज सहित पैसा लेके तेरे धोरे आऊंगा हो ब्याज सहित पैसा लेके तेरे धोरे आऊंगा कमाऊंगा मेहनत कर रोज पड़े चाहे सर पे ढोना बोझ किसे के खेत क्यार का बाला नार का बाला नार का सेठ मेरी बिगड़ी बात बना दे करके दया मेरे पहला दे कर जा 20,000 का ओ प्यार चाक ल्याऊं अपनी बाला नार का बाला नार का देता है परंतु कर्ज लौटाने तक अपनी पत्नी के साथ भाई बहन जैसे संबंध रखने की कठोर शर्त लगा देता है। अजीत सिंह उस शर्त को सहर्ष मंजूर करता हुआ सेठ से 20,000 रुपए लेकर बारात के साथ राजा प्रताप सिंह के यहां चले जाते हैं। वे उन्हें 20,000 रुपए जाकर दे देते हैं। अब तो मजबूरन अजीत सिंह के साथ राजबाला की शादी की हां राजा को भरनी पड़ती है। इस खबर को सुनकर राजबाला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह खुशी मन से अपनी सखियों के साथ हंसी मजाक करती हुई क्या कहती है, दीवाना मेरा आज दरबार में कभी से निहारे मेरी अखियां थी प्यासी प्यासी पिया इंतजार में आया है वो परवाना दीवाना मेरा आज दरबार में कभी से निहारे मेरी अखियां
बैठी प्यासी प्यासी पिया इंतजार में। ₹20,000 की शर्त पिता ने लगाई थी, मेरे खातर मेरे पिया ने शर्त वो निभाई थी। मेरे खातर मेरे पिया ने शर्त वो निभाई थी। है खोल के बताई सारी बात थी पहाड़ से भारी, दिल पे चलाई यारी पर आशिक खे गया चोटी मेरे प्यार में। आया है वो परवाना दीवाना मेरा आज दरबार में। कभी से निहारे मेरी अखियां थी प्यासी प्यासी पिया इंतजार में। सजाओ मेरी चंद्रमा सी शान को, पिया जी के अर्पण कर दूं आज अपनी जान को। पिया जी के अर्पण कर दूं आज अपनी जान को। मान को बिरादर सारी जुड़ी हुई मारी सरदारी, फेरा की तैयारी खड़ा प्रेम पुजारी गेरू गढ़हार में। दीवाना मेरा आज दरबार में। कब से निहारे मेरी अखियां थी प्यासी प्यासी पिया इंतजार में। मचलती जवानी मेरी है, मचलती जवानी मेरी सीने पे उभार है। पिया ने करूंगी घायल दोनों नौ की मार है। पिया ने करूंगी घायल दोनों नौ की मार है। हार है अजीत मेरी पकी हुई प्रीत मेरी, गैल पिया के जाऊं हंस हंस बतलाऊं कर तोला श्रृंगार में। आया है वो परवाना दीवाना मेरा आज दरबार में। कब से निहारे मेरी अखियां थी प्यासी प्यासी पिया इंतजार में। पिया जी के देश जाके, पिया जी के देश जाके जोबन का रंग छाटूंगी। राजा जी की सेज में जा आधा हिस्सा बांटूंगी। राजा जी की सेज में जा आधा हिस्सा बांटूंगी। बांटूंगी मैं कोन्या न्यारी
चार चारी लिख कथा हमारी गावे संसार में। आया है वो परवाना दीवाना मेरा आज दरबार में। कब से निहारे मेरी अखियां थी प्यासी प्यासी पिया इंतजार में। आया है वो परवाना दीवाना मेरा आज दरबार में। प्रेमियों, राजबाला की सखी सहेली राजबाला को सजा धजा करके उसकी ससुराल जाने के लिए तैयार करती है। उधर अजीत सिंह दूल्हा के रूप में घर में बैठे हुए हैं। उसके साथ में राजबाला की सखी सहेली यानी कि अजीत सिंह की साली शक्ति इकट्ठी हो जाती है और उससे हंसी मजाक करती हुई किस तरह और क्या कहती है और अजीत उनकी बातों का जवाब किस तरह से दे रहे हैं सुनो। जीजा मारी भाणी के तू धोरे ना खिले। अच्छा जीजा मारी भाणी के तू धोरे ना खिले। मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले। मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले। ओ जीजा मारी भाणी के तू धोरे ना खिले। जीजा मारी भाणी के तू धोरे ना खिले। मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले। अच्छा मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले। क्या बात है बस्ती भाई, आज तो बराती बन के आ रहा। अनार की है तू काटो की बाड़ से। काटो मैं छिपा के रखूं फूलों की जुलाड से। ये तो कली अनार की है तू काटो की बाड़ से। काटो मैं छिपा के रखूं फूलों की जुलाड से। ऊंट की सिनाड से। अच्छा हो ऊंट की सिनाड से तू पेड़ साहिले। मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले। मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले। जीजा मारी भाणी के तू धोरे ना खिले। जीजा मारी भाणी के तू धोरे ना खिले। मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले। मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले। अंधेरा से तेरे जा सनर पर जा बैठ जा जाना कड़ूटे तो माई ना अब के क्या जवाब दूंगा। मारी भाण चांदनी तू रात का अंधेरा से। चांदनी की रोशनी में मेरा भी बसेरा से। मारी भाण चांदनी तू रात का अंधेरा से। चांदनी की रोशनी में
मेरा भी बसेरा से तू के जोर ले रासे हो तू के जोर ले रा इसका जोश ना झिले मेरे जैसा मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले जीजा म्हारी बहन के तू भोरे ना खिले जीजा म्हारी बहन के तू भोरे ना खिले मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले ऑर्डर तो तने मुंह का इतना लहसेड रखा है ये ऑर्डर ना है ऑर्डर नहीं है ओरिजिनल रंग है अच्छा देख, तू देख अपने सूटड़े रखिए पाला जवानी में भरपूर है जो मांगेगी ला दूं इसकी सेवा में हजूर है इसका ख्याल रखिए पाला जवानी में भरपूर है जो मांगेगी ला दूं इसकी सेवा में हजूर है चंदा जैसा नूर है क्या कहने हो चंदा जैसा नूर है ना धंधे में पिले मेरे जैसा ओ मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले जीजा म्हारी बहन के तू घोरे ना खिले जीजा म्हारी बहन के तू घोरे ना खिले मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले क्या बात है बस्ती भाई की हंसराज तू भी मेरे पास में सरक जा साड़ी तंग करनी है बहुत देर ले चल हमने साथ में तुम भी दूल्हा छाटो साड़ी आए हैं बरात में सहेली के संग में जीजा ले चल हमें साथ में तुम भी दूल्हा छाटो साड़ी आए हैं बरात में बिरम आधी रात में हो बिरम आधी रात में थारी दही सी बिले मेरे जैसा मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले जीजा म्हारी बहन के तू घोरे ना खिले जीजा म्हारी बहन के तू घोरे ना खिले मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले मेरे जैसा दूल्हा साड़ी तोहे ना मिले इसकी ओर प्यार का मजा लीजिए इसकी ओर प्यार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए प्रेमियों कुछ देर बाद राजबाला की सखी सहेली उसे ससुराल जाने के लिए तैयार कर देती है। अजीत सिंह राजबाला को अपने साथ लेकर के अपने घर आ जाता है। उधर कुछ शर्म भी महसूस कर रहा है क्योंकि अजीत सिंह के पास तो रहने के लिए
कोई महल या मकान नहीं, उसके पास तो केवल एक झोपड़ी है और वो भी टूटी हुई स्थिति में। तो किस तरह से अजीत सिंह राजबाला से कह रहे हैं रागनी के माध्यम से, मुझ में क्या खूबी है जो तेरे मन को भा गई, बोलो प्यारे कुछ तो बोलो, आंखें क्यों शर्मा गई। बाला कहिए, मेरा जो शर्म का कारण है हाँ उसे तेरे सामने बताने में मुझे शर्म आती है, और अगर तू पूछना चाहती है तो मैं तुझे बता देता हूँ। बता दो। अच्छा, प्राणो प्यारी नार मेरे, महल ना मकान है, महल ना मकान है, जंगल के में झोपड़ी टूटी सी छान है। हाँ, प्राणो प्यारी नार मेरे, महल ना मकान है, महल ना मकान है, जंगल के में झोपड़ी तरिया ते बाला तेरी ख्वार हुई जिंदगानी, सब तरिया ते बाला तेरी ख्वार हुई जिंदगानी, शीश पे चढ़ी है हानी, शीश पे चढ़ी है हानी, रानी परेशान है, रानी परेशान है, कुटुम ना कबीला मेरा एक ली ही जान है, प्राणो प्यारे नार मेरे, महल ना मकान है, महल ना मकान है, जंगल के में झोपड़ी टूटी सी छान है। जंगल ते रोजाना धर धर के लाऊं भरोटा, जंगल ते रोजाना धर धर के लाऊं भरोटा, जगत के मैं टोटा खोटा, जगत के मैं टोटा खोटा, दुनिया का बखान है, दुनिया का बखान है, टोटे वाला मानस लुच्चा गुंडा बेईमान है, प्राणो प्यारे नार मेरे, महल ना मकान है, महल ना मकान है, जंगल के में झोपड़ी टूटी सी छान है। की रोटी मेवा मिष्ठान मिलेना, खानी बेझड़ की रोटी, ना पलंग निवाड़ी तकिए, ना बिजली वाली टोटी, ना पलंग निवाड़ी तकिए, ना बिजली वाली टोटी, गरम चाय डबल रोटी, गरम चाय डबल रोटी,
अड़े ना पकवान है, अड़े ना पकवान है, चौपड़ ताश शतरंज वाला अड़े ना समान है। रानो प्यारे नार मेरे महल ना मकान है, महल ना मकान है, जंगल के मझोपड़ी ये टूटी सी छान है। टहल में तू सैल करण जावे थी, गोरी नित बैठ बहल में, तू सैल करण जावे थी, गोरी नित बैठ बहल में, खेला करती खेल महल में, खेला करती खेल महल में, चंद्रमा सी शान है, चंद्रमा सी शान है, भाटी बल राज जग में सभी का भगवान है। प्राणों प्यारी नार मेरे महल नाम कान है, महल नाम कान है, जंगल के मझोपड़ी ये टूटी सी छान है। प्रेमियों अजीत सिंह व राजबाला अपनी टूटी सी झोपड़ी में सोने के लिए चले जाते हैं, तो अजीत सिंह चारपाई के बीच में अपनी कटार को खड़ी कर लेता है। कटार को देख करके राजबाला कुछ सहमी सी होती है, तो राजबाला व अजीत सिंह के बीच में सवाल जवाब होते हैं किस तरह से। बाला हो मैं कटारी, ओ काहे की मजबूरी पहली रात है हमारी। के बूझेगी नार रहन दे, सुन के बोली डर जागी, परले पारी उतर जागी। बाला हो ओ पिया, बात के कारण न्यारे फटे कितने मर्द नारी, काहे की मजबूरी पहली रात है हमारी। ओ बच के सोना होगा धरली बीच में कटारी, काहे की मजबूरी पहली रात है हमारी। सेठ ने करी सहाई थी, कंदन है वो सेठ जिन्होंने थारी मदद लगाई थी, कर्जा देते समय सेठ ने, कर्जा देते समय सेठ ने भारी शर्त लगाई थी, साफ खोल के कहो पिया ऐसी तुलसी कसम उठाई थी, ऐसी तुलसी कसम उठाई थी। बाला ओ भाई बहन का नाता जब तक ना जा रकम उतारी, काहे की मजबूरी पहली रात है हमारी। ओ बच के सोना होगा धरली बीच में कटारी, काहे की मजबूरी पहली रात है हमारी। Thank you.
खामोश हुई तेरी ये काया मुरझाई क्यों, उस बेदर्दी लाला ने पिया ऐसी शर्त लगाई क्यों, तेरे पिता ने शर्त रखी मैं करता ना मन चाही क्यों, मात पिता की गलती पे पिया बाला नार सताई क्यों, तने बाला नार सताई क्यों, बाला हो की गलती खपके कितने बाणाधारी, काहे की मजबूरी पहली रात है हमारी, ओह बच के सोना होगा धरली बीच में कटारी, काहे की मजबूरी पहली रात है हमारी, के हो से तू के जाने पिया मिलन दिन हाल नार का के हो से, तू भी सोच करज में दबके, तू भी सोच करज में दबके करजदार का के हो से, मैं जान गई गिरवी धर ले और साहूकार का के हो से, और साहूकार का के हो से, वाला हो तैयारी, काहे की मजबूरी पहली रात है हमारी, वाला हो मेरे पिया, बचके आह बचके ओह बचके सोना होगा धरली बीच में कटारी, काहे की मजबूरी पहली रात है हमारी, ओ बचके सोना होगा धरली बीच में कटारी, मजबूरी पहली रात है हमारी। प्रेमियो इस तरह से अजीत सिंह व राजबाला किस्सा का पहला भाग यहीं पर समाप्त हो जाता है, जिसे आप चंदा कैसेट के माध्यम से ब्रह्मपाल नागर, उदयवीर सिंह चौहान, पुष्पा गुसाई व सतराज नागर की आवाज में सुन रहे हैं। धन्यवाद।